हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डेलीशियस है। सभी रेसिपीज ना बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है। हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से रेसिपीज को ट्राई करता है, टेस्ट करता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना सकूं, ताकि आप उसे जो है इजिली फॉलो कर सकें और घर बैठे एकदम बाजार जैसा खाने का जो है मजा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर आज की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। उसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर जो है रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। 2 से 3 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाता है। स्टेज पर हम यहाँ पर जो है गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें ऐड करेंगे 1 कप हंकर्ड, ये टंगा हुआ दही है। दही को 2 से 3 घंटे के लिए आप बांध कर कपड़े में जो है टांग दीजिए, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे और एक स्मूथ सा जो है पेस्ट रेडी कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह का। यहाँ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून रोस्टेड भुना हुआ बेसन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून जो है रेड कश्मीरी पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 टेबलस्पून जो है मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों का तेल है। हमें यहाँ पर सरसों का तेल ही ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पनीर टिक्का में। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम जो है पनीर, ये देखिए इसे मैंने क्यूब्स में अच्छे से कट कर लिया है। हमारा पनीर जो है फ्रेश और सॉफ्ट होना चाहिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट है पनीर। हमारा पनीर जितना फ्रेश और सॉफ्ट होगा ना, हमारा पनीर टिक्का उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम जो है पनीर के इन क्यूब्स को अच्छे से मैरिनेशन में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरह के जो है कट किए हुए अनियंस। मैंने जो है छोटे प्याज को जो है 4 हिस्सों में कट करके उसकी लेयर्स निकाल ली हैं। क्यूब्स में कट की हुई ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एंड रेड कैप्सिकम। मैंने यहाँ पर जो है तीनों जो है शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास जो भी शिमला मिर्च अवेलेबल हो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटा अच्छे से सेट होने के बाद हमने मिक्सचर को निकाल लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर इस तरह की जो है तंदूरी स्टिक्स आती हैं उसका इस्तेमाल किया है। ये बहुत आसानी से किसी भी बर्तन वाले की शॉप पर अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम जो है एक एक करके इसमें जो है ऐड करते जाएंगे। पहले हमने ग्रीन शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम, अनियन और फिर पनीर के जो है क्यूब्स को इसमें इस तरह से सेट करेंगे, ये देखिए। इसी तरह से हम जो है एक एक लेयर लगाते जाएंगे, ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, अनियन, फिर पनीर का क्यूब्स। इसी तरह से हम जो है इसके आगे भी लगा देंगे, ताकि इसे सपोर्ट मिल सके और हमारा जो पनीर है वो रोस्ट होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, ताकि वो नीचे ना गिरे। ये देखिए हमारा जो पनीर टिक्का है वो रोस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से हम एक एक करके जो है सभी पनीर टिक्का के जो है स्टिक्स रेडी कर लेंगे। एक एक करके इसमें जो है कैप्सिकम, अनियंस और पनीर को ऐड करते जाएंगे, ये देखिए बहुत इजीली ये इसमें जो है सेट हो जाते हैं। आप चाहें तो जो वुडन वाले स्क्वायर्स आते हैं आप उनका भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे जो पनीर टिक्का है वो बिल्कुल रेडी है रोस्ट होने के लिए। चलिए इन्हें रोस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से एक छोटा सा स्टैंड जो है बर्नर के ऊपर रखा है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से स्टिक को पकड़कर ऊपर से ही इसे रोस्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे हम इसे जो है घुमाते जाएंगे, ये देखिए, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से जो है रोस्ट हो सके। मैंने यहाँ पर बर्नर पर जो है नीचे सिल्वर फॉइल पेपर लगा दिया है, ताकि हमारा जो बर्नर है वो गंदा ना हो। इसी तरह से जो है 2 से 3 मिनट तक हम जो है इसे घुमा घुमा कर अच्छे से रोस्ट करते रहेंगे, ताकि हमने इसके ऊपर जो मैरिनेशन लगाई है वो अच्छे से कुक हो सके और सारा फ्लेवर जो है पनीर, कैप्सिकम और अनियंस के अंदर जा सके। ये देखिए बहुत इजीली जो ये अच्छे से रोस्ट हो सकते हैं और यकीन मानिए बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर आता है इसमें।
ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो पनीर टिक्का है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस बना है हमारा पनीर टिक्का। ये देखिए, आप इसके ऊपर थोड़ा सा मेल्टेड बटर जो है ऐड कर सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग और डिलीशियस लगता है ये ग्रीन चटनी के साथ। और मैंने जो है अनियन के स्लाइसेस के साथ इसे जो है सर्व किया है, एकदम बाजार जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल जो है तंदूरी पनीर टिक्का आप घर पर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस है। और पनीर ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, काफ़ी जो है गुड वैल्यूज़ होती हैं इसमें। हमें जो है पनीर ज़रूर खाना चाहिए, अपनी डाइट में हमें जो है पनीर को ज़रूर शामिल करना चाहिए। बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग और ईजी रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।